कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। पूछेंगे धारा लगाइएगा, अगर प्रकाश वायु या निर्वात में संचरित करे तो किस चाल से चलेगा? वायु या निर्वात में चाल सी होगी ना। तो जैसे अगर इधर देखो आदित्य वर्मा, माना वायु या निर्वात, चाहे वायु का चाहे निर्वात में प्रकाश की चाल, विक्रांता बेटा प्रकाश की चाल हमेशा याद रहे कितना है, कोई दिक्कत? अब अगर ये किसी माध्यम में जाए तो पक्का पक्का इसकी चाल बदल जाएगी, अपूर्णांक भी उस माध्यम का बदल जाएगा, है ना। माना प्रकाश, ध्यान तो देखो, यन अपूर्णांक वाले, कितने अपूर्णांक वाले, कोई एक ऐसा माध्यम जिसका अपना ज्ञान है वाले माध्यम में हुई चाल से चाल बदल जाएगी कि नहीं? दी दूरी तय करता है। आमिर लगान क्या है? कोई प्रकाश कहा चल रहा था, वायु या निर्वात में, चाल क्या थी उसकी, सी। अगर हम उसको किसी माध्यम में ले जाएं तो माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है ना। माध्यम में प्रकाश की चाल क्या मान लिए, वी। अपूर्णांक माध्यम का क्या मान लिए, प्रकाशवा कितना चला, दे दूरी चला ना, पक्का। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, अभी बताए थे हाइगेंस तरंग सिद्धांत से, इधर देखो जिससे कुछ बताना, हाइगेंस तरंग सिद्धांत से अभी भी बताए थे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे, मजा आई, यही तो बताए थे से। अगर हम वी जानना चाहे तो यहां नीचे भी ही है, कोई डाउट? प्रकाश कितना दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करे में समय लाग हुए ना, पर कसवा माध्यम डी दूरी चला गया, समय लाग हुए कि ना, इसलिए डी दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर का सूत्र होता है, दूरी बटा, मजा है, और आगे लिखा दूरी बटा, तो टी बराबर एनडी अपान, समझ में आए? फिर से एक बार जॉन पूछेगा उसका तो सब बतावे कहा है, बताए कि प्रकाश हवा में कितनी चाल से चलता है, अगर उसको किसी माध्यम में ले जाएंगे तो चाल बदल जाएगी ना, माध्यम में चाल भी बराबर क्या हो जाएगी, यन क्या है उस माध्यम का, पक्का सियर। अब अगर माध्यम में प्रकाश डी दूरी तय करे तो डी दूरी तय करने में समय लगा रहा होगा टी, और टी बराबर एनडी अपान सी, तो मतलब डी दूरी माध्यम में एनडी अपान सी समय में तय करेगा। अगर एक आप वायु में चले देखता कितना चला थी, इसलिए प्रकाश द्वारा उतने समय जितना समय उसमें लग रहा है माध्यम में, टी समय में वायु या निर्वात में तय दूरी, चलो देखते हैं कि वो हवा में चलत तो कितना चलत इतना समय में, दूरी बराबर चाल गुणे कहां चलत बा, हवा में, तो चाल कितनी बार हुआ और समय चलिया गुणे समैया,
चाल कितना बा सी, समय कितना है बा तो यंडी का आ गया। वाल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और यह दूरी उतने ही समय में तय हुई है जितना कि समय में माध्यम में चली गई थी, और इसे प्रकाशीय पथ ऑप्टिकल पथ कहते हैं। तो अब ऑप्टिकल पथ या प्रकाशीय पथ के डेरिवेशन भी जान गए बदतमीजो, और जो है इसकी परिभाषा बना लोगे। क्या किसी माध्यम में चली गई दूरी डी और माध्यम का अपवर्तनांक एन का गुणनफल प्रकाशीय पथ कहलाता है। देखा किसी माध्यम का अपवर्तनांक एन और माध्यम में चली गई दूरी डी का गुणनफल प्रकाशीय पथ कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम विद डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पथ। किसी माध्यम में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी और माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल प्रकाशीय पथ कहलाता है। इधर ओके यह है प्रकाशीय गौर। वाल में प्रकाश की चाल हमेशा जानते रहो सी होती है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बदल जाती है। और आज से आप सूत्र याद रखोगे कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बी बराबर सी अपान एन हो जाती है। याद रहेगा माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है। वायु से माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश का केवल एक गुण आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है और चाल भी बदल जाती है। तो यहां देखो जरा, वायु में आवृत्ति न्यू, तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट, और माध्यम में प्रकाश के आवृत्ति वह रहे ना बदले न्यू, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। हम जानते हैं बी बराबर एन लैम्डा, क्या बी बराबर, तो यहां चाल सी बराबर आवृत्ति एन की जगह न्यू, तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट, कोई दिक्कत। तथा अगर v बराबर माध्यम में, तो माध्यम में आवृत्ति न्यू, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, दोनों भाग दे दी अगर लड़कियों न्यू न्यू c अपान v इक्वल लैम्डा अपान लैम्डा। अब आगे देखो c अपान v का होता है n, लैम्डी ही आ गया n ही है। तो दो चीज पता लग गए, का बतावा, एक तो पता लग गया माध्यम बदले पे प्रकाश की चाल हमेशा जान लिया, वाय वाली चाल का भाग दे दिन जाते यन से। और दूसरा ही सूत्र आ गया माध्यम बदले तरंग दैर्ध्य, देख लिया वाय वाली तरंग दैर्ध्य का यन से भाग दे दिन जाते। तो शॉर्टकट में दिमाग में फीड कर लिया कि जब जौन है प्रकाश कोनो माध्यम में जात है तो हुआ जौन है चाल प्रकाश के चाल बटा अपवर्तनांक हो जात है, माने सी बटा एन, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट बटा एन हो जात है। इधर के लिए नई तरंग दैर्ध्य नई चालिए माध्यम बदलने पर, इन्हीं दोनों सूत्रों पर हमारा जो है चैप्टर है।